बीजेपी एंड कंपनी के चहेते भारतीय पूंजीपतियों व धन्ना सीटों के स्विट्जरलैंड के बैंकों में जमा धन में पिछले वर्ष सन 2017 में लगभग 50% से भी ज्यादा वृद्धि हो गई है, जिससे अब प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की सरकार की काले धन के संबंध में वे इनकी गलत आर्थिक नीति की भी पोल पूरी तरह से जनता के सामने खुल गई है। वैसे भी इस हैरत करने वाली खबर के देश की आम जनता में जंगल की आग की तरह फैलने के बाद पूरी तरह से कटघरे में खड़ी केंद्र की सरकार के अब कुछ मंत्री ये सफाई दे रहे हैं कि स्विस बैंकों में जमा सारा लगभग 7,000 करोड़ रुपया काला धन नहीं है, लेकिन इस संबंध में जनहित व देश हित का मूल सवाल ये है कि भारत में कमाया गया धन विदेशी बैंकों में जमा करने का ये काला कारनामा क्यों? इसके अलावा अपना धंधा चमकाने के लिए तो ये पूंजीपति व धन्ना सेठ भारतीय बैंकों का सहारा लेते हैं और सरकारी सांठगांठ से बैंकों को चूना लगाकर देश के बाहर फरार भी हो जाते हैं और फिर अपने देश के धन को विदेशों में जमा करवा देते हैं। ऐसा काला कारनामा क्यों?